आत्महत्या नहीं बढ़ला राज्य सरकार का चिंता। आज छुट्टी दिन में बैठक सचिवालय में जिलापाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे हेबो आलोचना। राज्य में 110,000 हेक्टर जमि में चकड़ा पोक, 34,000 हेक्टर जमी अधिक क्षतिग्रस्त। महारथी अभियोग सरकार को बदनाम करने को जातीय दल किसी नेता कर। सरला धर्म मास कार्तिक, आज छाड़ खाई रविवार सांग को मासर प्रथम सप्ताह आमिष बजार लोकों गहली, व्यवसायी को नहीं फुर्स। आ गोटे दिन बढ़ला कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा, सात नुहे आठ दिन धरी चलो वाणिज्यर महाकुंभ, लक्षाधिक लोकों समागम। एवं महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, आज भारत चीन मुकाबला, पूरा टूर्नामेंट अपराजय भारत, टाइटल सह सीधासख विश्वकप लक्ष्य भारतीय टीम। नमस्कार, सकाळ ओडिशा को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। राज्य सरकार को निद हजाई देछि चासी आत्महत्या घटना, चकड़ा पक व फसल रे चासी निया लगाइबा घटना भी मुंड बिंधार कारण पाल्टिछि। यार मुकाबला पई आज रविवार रे जरूरी कालीन बैठक डाकिछंती राज्य सरकार। दिन 12टा रे सचिवालय रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। समस्त जिलार जिलापाल सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोचना करिबे मुख्य शासन सचिव, उन्नयन कमिश्नर एवं कृषि सचिव सचिवालय रे उपस्थित रहिबे। बैठक उपर नजर रही राज्य सरकार को निद हजाई देछि चासी आत्महत्या घटना, चकड़ा पोक व फसल रे चासी निया लगाइबा घटना वर्तमान मुंड बिंधार कारण पाल्टिछि। यार मुकाबला किभली करिहबो सेतिपई आज रविवार रे मध्य जरूरी कालीन बैठक डाकिछंति राज्य सरकार। दिन 12टा रे सचिवालय रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। आसिबा परवर्ती खबर को, चकड़ा पक आ फसल रे निया को ने सरकार ओडुआ रे पड़ीतिबा बळे पटे निजरो दायित्व खसाई राजस्व विभाग उपर को बॉल फिंगी चंते कृषि मंत्री दामोदर राउत। आसंता काली राजस्व मंत्री को अध्यक्षता रे अनुष्ठित हेबा कोथबा बैठक रे सहायता ने घोषणा करा जिवो। एपटे बरगड़ समेत फसल हानि ने 8 जिलापाल प्रदान करिसंते निजरो रिपोर्ट। निज जमीरे प्रथमे निया लगाइले परदिन आत्महत्या कले बरगड़ चाषी वृंदावन साहू। क्यों परिस्थिति रे वृंदावन आत्महत्या कले, काहेकि फसल रे निया लगाइथिले, ए संपर्कित रिपोर्ट सरकार को देछंती बरगड़ जिलापाल। बरगड़ समेत 8टी जिल्लारे चकड़ा पोक ओ किछि जिल्लारे फसल रे निया लागिबा नै जिलापाल माने सरकार को रिपोर्ट देछंती। रिपोर्ट पाइबा परे छुट्टी दिन रे सचिवालय रे स्थितिर समीक्षा करथिले कृषि मंत्री दामोदर राउत। राज्य रे 110,000 हेक्टर जमी रे लागिछि चकड़ा पोक, 34,000 हेक्टर रु अधिक जमी क्षतिग्रस्त होईछि। आसंता 6 तारीख रे राजस्व मंत्री को अध्यक्षता रे बसिबो बैठक। बैठक रे राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री और समवाय मंत्री को समेत एसआरसी बसी क्षयक्षति सहायता संपर्क रे नेबे निष्पत्ति। आम तुरंत क्षतिग्रस्त चाषी मान साय प्रदान करूँ से दृष्टि आसंता सोमवार दिन, कारण कौन रिलीफ दि जरूरी कौड़ अनुसार से निष्पत्ति राजस्व विभाग कर एसआरसी राजस्व करते से घोषणा करेंगे सर्वश्रेष कौन कौन पैकेज देवे जेकोसी जगार चाषी असुविधा होम समस्त कर्मचारी तुरंत जाकर पहुंची जाइटा केमी कड़ाकड़ी भाव में पालन कराव से जत्पन्नाथी चेष्टा करछि। तेणु तांकर जहाँ जत्ते प्रकार सुविधा सुजोग दिया कथा सरकार को नियम अनुसार आम निश्चित भाव में पूरा एंटायर मशीनरी आम लगी साहय कर। 68,000 हेक्टर जमीन में कीटनाशक प्रयोग होते भी कम देनी, ए अभियोग आधार में एवं कीटनाशक बिक्री करुवा डिलरों पर चढ़ाऊ चली। जातीय धान गवेषणा केन्द्र, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग अधिकारी नहीं गठन हो स्वतंत्र स्क्वाड। केतक स्थान रे लाइसेंस न थाई सारो डीलर कीटनाशक बिक्री करूथिबा देखा जाइछि। पोकमरा औषध जोने डीलर सेमान को दुकान सब रेड कराउछि विभिन्न जगह रे, कृषि विभाग रो
पदाधिकारी मैंने गोटे टीम करके बर्तमान बुलूं चाषी मान सहित सीधा मुद कथबार्ता कर इंटराक्शन कर समस्त तथ्य आस केवल बरगढ़ जिलूर चारिज चाषी आत्महत्या करते भी चाषी मृत्यु नहीं सरकार नीरव रही भुवनेश्वर कैमरामैन प्रशांत पात्र सुकांत पाणिग्राही थबीर सामल और दुर्गा प्रसाद षडंगी ईटीवी न्यूज क्षेत्र निआ लग प्रसंग में पंचायतीराज मंत्री प्रदीप महारथी कहते सरकार को बदनाम करने जातीय दल किसी नेता काम कर टंका दे फसल निआ लग महारथी उजुड़ा धान फसल निआ लग प्रसंग सरकार को बदनाम करने को चेष्टा नेता माने प्रदर्शित भाव में चाषी मान जाऊँगी जमीर मूल्य के आयकट कर दौर तु बिल टी लगे दे जहाँ पैसा पड़ब आम तेजु ने आडभांस लगे दे तोर क्षतिपूरण नहींजु एवं सरकार बदनाम मुझे दल आपर समीक्षा कर केन्द्र सरकार को रंधन गैस वृद्धि करने प्रतिवाद में आसंता दक्षिणांचल आरडीसी कार्यालय घेराव कर गंजाम जिला महिला बीजेडी यहां सफल करने एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित जिलार कोण अनुकोण 7000 अधिक कर्मी बैठक में जोगद ग्राम्य उन्नयन मंत्री विक्रम केशरी आरुख वैषयिक शिक्षा मंत्री उषा देवी समेत गंजाम जिलार विभिन्न विधायक नेता और कर्मी ए बैठक में उपस्थित थे आउ गोटे दिन बढ़ला ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा सात दिन नुहे चलित थर आठ दिन धरी चलो वाणिज्यर ए महाकुंभ कटक बालीयात्रा को उद्घाटन करने एभली घोषणा करिसंति मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जेना यह उद्घाटन करने सहित उत्कलर कला संस्कृति को उज्जीवित रखिबारे बालीयात्रा सहायक होता मंत्री कहते सांसद भर्तृहरि महताब महानदी प्रति विपद घने आसुक बचाई समस्त उद्यम दरकार बालीयात्रा देखा प्रथम दिन ऊपर एवं तल पड़िया लोकारण्य होई दोली सहित ठुंका पूरी चटपटी खाद्यर मजा नेउछन्ति लोक पलिश्री मेला ओरमा स्टॉल रे भी लोकंकर गहली बालीयात्रा रे 50 प्लाटून फोर्स मुतयन करा जायछि बालीयात्रा रे आसिकी पहुंचिबा पई एवं किपरि आसिबे कोठी पहुंचिबे को जगह रे को स्टॉल अछि ताकु जानिबा पई गोटे मोबाइल आप आमर जिला प्रशासन तरफ आज आरंभ हो जाकि खूब सहायक हम आजिका दिन में सात दिन कार्यक्रम अच्छी परवर्त समय जनसाधारण इच्छा शक्ति को देखिकी परवर्ती पदक्षेप नि जिला प्रशासन ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी रखिंट जोटा कि आम ऐतिह्य संस्कृतिर परिचय एवं परंपरा को धरिक रखी कटकर बालीयात्रा निश्चित भाव आपको आंतर्जातिक मान्यता देवाई कि आमर संस्कृति मंत्री प्रयास जारी रखिंट आगामी दिन में ताप्रति जहाँ कार्यक्रम हम आप जानते प्रतिबद्ध प्राय आसुचु कि बर्षर प्रथम दिन प्रथम नाच आमर एटा भारी खुशी लगुच अडियस मानक रेस्पन्स गुड़ाक बहुत भल लगुच समस्त जी रेस्पन्स गुड़ाक बहुत प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश गस्तर आज द्वितीय दिन आज दिन बारटे पालमपुर दिन गोटाए उना व अपराह तीनटे कुलूर राली करे प्रधानमंत्री गतकाली राज्य में बृहत्तम जिला कांगरा जिले में बीजेपी निर्वाचन प्रचार करते मोदी दुर्नीति प्रसंग में राज्यर शासक दल को टार्गेट करते प्रधानमंत्री कांग्रेस निजर पराजय स्वीकार कर दलर वरिष्ठ नेता निर्वाचन प्रचार करटना स्पष्ट कर प्रधानमंत्री विमुद्रीकरण वर्ष पूर्ति को कला दिवस पालन करने कांग्रेस निष्पत्ति को मध्य करथिले समालोचना लगाण वर्षा चेन्नई में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी सहर अधिकांश अंचल जलबंदी हो रही गत अक्टोबर 27 तारीख आरंभ होता वर्षा एवं लोकों पर घोर संकट कारण पलटि तमिलनाडु में वर्षा जो 8 जन मृत्यु होता जमापड़ सहर मुख्य रास्तागुड़िक पानी सुअ छुटुच्छ तलिया अंचलगुड़िक समस्या भोगुंट लोक वर्षा कमार ना ने सब स्कूल कलेज बर्तमान भी बंद रही पा घेर बुड़ रही अंचल गस्त कर मुख्यमंत्री के
ପଲାନୀସ୍ୱାମୀ ଓ ପନିର ସେଲଭମ୍ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା। କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ତିରୁଭଲ୍ଲାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ସେପଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 105ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ଖେଚୁଡ଼ି। ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ 918 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖେଚୁଡ଼ି ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ କପୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 50 ଜଣ ଖାନସାମା ଏହି ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2017ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଖେଚୁଡ଼ି। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା 800 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଖେଚୁଡ଼ି। ଏହି ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ କପୁର। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ 50 ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଶେଫ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରସିମରତ କୌର, ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ସେହିପରି ଉଭୟ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦିତା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରସିମରତ କୌର। ଏକ ଆମ ମାମୁଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କେ ଘର ମେ ପକନି ୱାଲି ଖିଚଡ଼ି କେ ସାଥ ଜୋ ଆଜ ଈଶ୍ୱର କରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେକର୍ଡ ତୋଡ଼ କେ ଦୁନିଆ ଭର ମେ ହମାରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଖିଚଡ଼ି ଧୂମ ମଚାଏଗୀ। ये तकरीबन 8-10 हजार गरीब परिवारों के बच्चे बूढ़े दिल्ली के कोने कोने में उन्होंने बांटी जाएगी। तो ये हमने एक नई तरह की डिश तैयार की है दाल और बीन्स के साथ, मूंग बीन्स के साथ में, और उसमें हमने ऐसी जो चीजें जो लोग भूल गए हैं, जवार, बाजरा, अमरंत, नागी, रागी जो है नाचनी, वो हमने डालकर इसको बनाया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अक्षय पात्रा और लंगर समिति आज गुरुपूरब भी है, सब मिलकर इस भावना से इसको बना रहे हैं कि ये उसके बाद में गरीबों में बांटी जाएगी, लोग उससे खुश होंगे। खेचुड़ी प्रस्तुति रे भाग नहीं थे प्रमुख व्यक्ति मध्यरे थिले बाबा रामदेव। भारतीय व्यंजन परंपरा रे खेचुड़ी रा स्थान स्वतंत्र बोली कहिथिले। भारतीय खिचड़ी को, भारतीय खिचड़ी के स्वाद को और उससे एक सेहत के नए अंदाज को आज एक नया आयाम मिलेगा। और जो खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिसिट। बाबा गोरखनाथ खिचड़ी रंधन रो जो परंपरा आरंभ करथिले तहा आज भी जारी रहिछे। केवल डाली और चावल रो मिश्रण नहीं, एथिरे पका जाए अनेक प्रकार रो पनीपरिबा जहां एहा को अधिक स्वादिष्ट करथाय। ତେବେ ଏହାକୁ ଗରିବ ଠୁ ଧନୀ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଆଜିର ଦିନକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର, ଏଣୁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ମାସେ କାଳ ଆମିଷ ଖାଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ମାଛ, ମାଂସ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ବଜାରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଆଣି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ମାଛ, ସମୁଦ୍ରୀ ମାଛ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଖାସି ଅଛି। ରବିବାର ଏବଂ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଆମିଷ ବଜାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାସେ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମିଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଖାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର, ତେବେ ଗହଳି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ମାସେ କାଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ, ମାଂସ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଖାସି, କୁକୁଡ଼ା ସବୁକିଛି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ।
संपर्क में अधिक सूचना पाई सीधा सड़क जावा आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय पाखक जे भुवनेश्वर यूनिट 4 नंबर आमिष मार्केट अच्छा सुमंत कार्तिक मास सरी छाड़ खाई पुणी रविवार पड़ी छाड़ खाई गहली केते जे स्मृति लग्न जो ठिकना बार रविवार गोटे छुट्टी दिन में छाड़ खाई पड़ी आमिषर बार से पूरा चलचंचल आमिष मार्केट आउ बेपारी मानक पाखरे ग्राहक माने पूरा माड़ होचुंती आ कहउचुंती दे आमिष टिके पाटीरे बाजु कारण मासक परे कारण जेहेतु धर्म मास थिला कार्तिक मास थिला सेति पई आमिष छाड़ी थिले कारण सेति पई चलचंचल होई छि मार्केट आमे सीधा सळक आलोचना करबा किंतु आमे देखेबा को चाहु छि विजुअल माध्यम रे जो गहळी रो चित्र को कारण गहळी एभळी होई छि जे भितर को जिबा बा एंट्री करबा गोटे असंभव होई पड़ी छि कारण प्रचुर गहळी कारण भुवनेश्वर रो गोटे बड़ा मार्केट गोटे हाई मार्केट 4 नंबर मार्केट आमिष बाजार पूरा गहली होती आउ चित्र बयान करुच्चे कि भाव में बिक्री बटा न हो कारण खासी ठू आरंभ कर पूरा संभार चली कारण व्यवसाय बड़ा संभार ये आरंभ हो जाए सीधा सड़क आम प्रतिक्रिया ना जो मैंने आहक मैंने प्रतिक्रिया ना कि भाव में मछ किणिले कौन से नौ आज आमिषर बार रविवार आगे आप सब कौन कौन किणिले कौन रेट थी आज सब आज्ञा केवल आम किणीचु कहले कंकड़ा किलोटे 450 टाँह आउ पिला माने खाइबे देसी चिकेन 300 टाँह के जी टे आउ सर छाड़ खाई आज बहुत धूमधाम पालन करवा रोबार अच्छे जमीन आम से खाईदे मार्केट को बर्तमान रेट चली कौन सब चली 240 पर्यटन बिक्री हो ना ना ज्यादा अच्छे पूर्व अपेक्षा ज्यादा अच्छे निश्चित भाव शुणुले कि प्रतिक्रिया रही वंचित आम पुणी जेहतु गोटे पलिथिन रही सामग्री रही जो मैंने नौकर आमिष बजार को आज्ञा कौन कहे आप कौन घर को नौ कि भाव में छाड़ खाई बनइबे आईस नहीं खाई तो मसला लेडीज मैंने खाई ना आम तो बाहर खाऊ लेडीज मैंने खाई ना आज लेडीज मैं घर फैमिली मटन टेकु लग्ना शुणुंत कि प्रतिक्रिया रही कारण घर जो महिला मैंने थे जो मैंने कार्तिक मस को पालन करुले गोटे पर्वर मस गोटे पुण्यर मस गोटे धर्म मस तेणु से पार्टी आमिष बाजि नाला और आज आमिष बाज से बजार चलचंचल आम सीधा सड़क बजार भितर को जाऊँ एटी माखे प्रचुर गहली जमी आज्ञा कौन कहे आप जेहतु ये मार्केट में गोटे गहली जमी आप सामिल होती कौन कहे एक्चुअली जो गोटे मास धरी जो ओडिशा रे जो आमर नित्य पर्व पंचक सर द्वारा आज लोक मैंने पूरा आनंद आदरी नहीं खाद्य को कहीं गोटे मास हेलानी समस्त ये जिनस को घर को न नहीं कि आज गोटे मास पर ये जिनस को आनंद सहकार उपभोग कर देखो आज आज दिन में रेट कौन सी मैटर नुहे कहीं आज दिन गोटे दिन जो थे कि रेट सहित कौन सी संपर्क नहीं ना ये तो बर्ष थे हुए तू भी कह तू टे कह ये मेन लुकटा कौन कह एम तो आज प्रबल भिड़ समस्त जमी भाव जन व्यवसायी कहते जन ग्राहक कहते आज केट हूँ फरक पड़े ना फरक जदि पड़ी मसे धर्म मस जो मसे रही पूरा निराडम्बर भाव में खावा पीवा करते आज जेहेतु छाड़ खाई तेणु समस्त आमिष उपर माड़ हम जो भिड़ जमी बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत समस्त सूचना।